गुड मॉर्निंग बच्चों बच्चों आज हम बड़े ए की मात्रा करेंगे। आपने पहले मॉड्यूल में छोटे ए की मात्रा कर लिया है ना, तो आज हम क्या करेंगे, बड़े ए की मात्रा करेंगे। तो देख लेते हैं बड़े ए की मात्रा क्या है, कैसे लिखी जाती है और उसकी ध्वनि कैसे होती है। ठीक है, तो पहले हम आपको एक चित्र दिखाएंगे। ये देखिए ये क्या है, ए। क्या है ये, ए। बड़े ए की मात्रा, ए से एरावर। बड़े ए की मात्रा इसकी ध्वनि क्या होगी, ए। ए से एरावर। ठीक है, दिख रहा है ना, तो ये है ए, ए से एरावर। तो हम आगे देखेंगे, हम ए की मात्रा कर रहे हैं, ये है बड़े ए की, बड़े बड़ा है और ये है उसकी मात्रा, बड़ा है और ये है उसकी मात्रा। ठीक है, तो मात्रा हमेशा व्यंजन के ऊपर लगाई जाती है। मात्रा कहाँ लगाएंगे, हमेशा व्यंजन के ऊपर, और दोनों एक साथ होनी चाहिए। ये दोनों मात्रा हम जब लिखेंगे एक साथ होगी। आप लोग क्या करते हो, आप ऐसे या ऐसे लगा दोगे तो ये गलत हो जाएगा, तो हमने ये ऐसे नहीं लिखनी है। क्या करेंगे हम, जब लिखेंगे एक के साथ दूसरा यहाँ से जुड़ेगा, तो यहाँ से भी दोनों मात्रा को जोड़ के लिखना है। ठीक है बच्चों, और ऊपर बोला करना है ये तो आपको पता है। आप क्या करते हो, ऐसे ऐसे करके छोड़ दोगे तो ये भी हम गलत कर देंगे। जब आपकी कॉपी राइटिंग होती है, जब आप सुंदर अक्षरों में लिखते हो, तब क्या करते हो, आपको जैसा दिया जाता है उसी को देखकर अच्छे अक्षरों में लिखना होता है कि नहीं। तो हमने अगर इस तरह से दो लाइन लगा दिया है तो वो हम गलत कर देंगे। आप अच्छे अक्षरों में लिखना सीखो, इसलिए टीचर आपको बार बार बोल रहे हैं। हम अच्छे से गोला करके उसकी मात्रा लगाएंगे। मात्रा को क्या करेंगे, नीचे से उठा के ऊपर या ऊपर से उठा के नीचे, जैसे आपको ऐसे लिखिए, पर दोनों साथ में लिखेंगे। ये सही है, ये दोनों सही है, लेकिन आपने अगर ऐसे इस तरह से लिखा तो ये हो जाएगा गलत, तो हमने गलत नहीं सीखना है। ठीक है बच्चों, तो इतना आपने समझ लिया, ये बड़ा ए है और ये है उसकी मात्रा। अब नीचे आ जाते हैं, यहाँ देखेंगे पहले, फिर हम उस शब्दों पर जाएंगे। हमने प व्यंजन लिखा है, प प्लस बड़ा ए। ठीक है, तो अब इसको जब हम साथ में मात्रा के साथ लिखेंगे कैसे होगा, प प्लस मात्रा लगाएंगे हम उसके बड़े ए की मात्रा, तो हो जाएगा पे, पे। मा प्लस ए की मात्रा के साथ उसको लगाएंगे, देखिए ए की मात्रा, तो अब जब हम लिखेंगे मा प्लस ए की मात्रा तो हो गया मैं। टीचर ने लाइन में लिखकर दिखाया है ताकि आपको पता चले कि हमने व्यंजन को कहाँ लिखनी है। सारे व्यंजन को हम चौड़ी लाइन में लिखेंगे, बड़ी वाली लाइन में, बीच वाली लाइन में लिखेंगे, और मात्रा को हम ऊपर लिखेंगे, क्योंकि ये ए की मात्रा है तो ये व्यंजन से ऊपर ही लगेगा, व्यंजन से ऊपर ही लगेगा। तो ये दो छोटी छोटी जो लाइन है उसी में लिखी जाएगी। ठीक है, अब आ जाते हैं नीचे, स प्लस ए की मात्रा, तो क्या होगा, स प्लस उसकी मात्रा लगाएंगे हम और हो गया से, से। इसी तरह से आप सारे व्यंजन को एक के बाद एक बड़े ए की मात्रा लगा लगा के आप उसको प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ हमने बड़े ए की मात्रा से शब्द लिखा है, ऐसा, ऐसा। बड़ा है हमने लिखा, उसके साथ उसके साथ व्यंजन लगा के, उसके साथ मात्रा लगा के हमने शब्द बताया है, ऐसा एरावत। अभी आपने एरावत का पिक्चर देखा है ना, अति ऐनक, चश्मा, उसको ऐनक बोला जाता है। एटलस, एटलस मतलब क्या, जो किताब में सारे नक्शा या मैप का चित्र हो, मैप का पिक्चर हो,
ऐसा ऐरावर ऐनक ऐटलस। तो यहाँ बच्चों आपने जो स्टार्टिंग में जो हमें चीज जरूरत है, जो स्टार्टिंग में जो हमें सीखना है वो हमने थोड़ा सीख लिया है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, हम थोड़े किताब में आपके पाठ में क्या दिया है उसको देख लेते हैं और उनके शब्दों को थोड़ा पढ़ना सीख लेते हैं। तो आपका पाठ ये है, ठीक है, इस पाठ को हम अभी करेंगे, ये वाला। तो अभी मैं सारे शब्दों को एक साथ पढ़ रही हूँ ताकि आपको पता चलता रहे। ये जो है ऊपर जो लिखा है ये हमने यहाँ पढ़ लिया है, अब इसके नीचे जो है चित्र के साथ इसको मैं पढ़ूंगी, उसके बाद इस शब्दों को पढ़ूंगी, ठीक है। तो हम पढ़ना शुरू करते हैं। पहला चित्र दिया है हमारे पास एक बैग का, हिंदी में उसको बोलेंगे थैला, थैला। और ल के साथ आ की मात्रा है तो हमने उसको मुंह खोल के आ बोला, आ, ठीक है। थैला, सैनिक, मैना, कैमरा। अब कैमरा हम इंग्लिश में बोलते हैं कैमरा, पर हिंदी में बोलेंगे कैमरा, उधर माँ के ऊपर मात्रा नहीं होगा। पैराशूट, अब नीचे के अक्षरों को पढ़ लेते जोर से, बैल, पैर, सैर, मैच, गैस, भैया, मेला, सॉरी मेला, पैदल, तैयार, दैनिक, मैदान, कैलाश, हैरान, टैबलेट। अब टैबलेट में ल में एक की मात्रा है, छोटे एक की मात्रा, तो टैबलेट, वैसलीन। अब ये हमने थोड़ा वाचन कर लिया है। आपका काम क्या है, अब आपका काम शुरू होता है आपको इस वीडियो को ऑन करके फिर टीचर ने जो पढ़ा है ऐसे ही साथ साथ पढ़ेंगे। अब पन्ना घुमा लेते हैं, पीछे की ओर पढ़ते हैं। पीछे हमारे पास कुछ अभ्यास दिए हुए हैं, यहाँ देखो, इस अभ्यास को अभी हम करेंगे। जो ऊपर जो दिया है यहाँ पे सुलेख, ये तो आपको खुद करना है, देख देख कर शब्द को लिखना है, बिंदियों में आपको हाथ घुमा घुमा के लिखना है, ठीक है। अब उसके नीचे जो है चित्र देखो और नाम पूरे करो, तो इसको अब हम करेंगे यहाँ पे, ठीक है। पजल गेम दिया हुआ है, हम यहाँ पे कंप्लीट कर देंगे। अब हम शुरू करते हैं। पहला चित्र आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे एक चिड़िया का चित्र दिया है, देखो दिख रहा है। तो हम ऐसे शुरू करेंगे, तो पहला है मैं लिखा हुआ है, मैं, तो हम लिखेंगे मैना। अब इसके नीचे हम क्या बना सकते हैं या क्या लिख सकते हैं, किताब में लिखा है दान, तो क्या मैं दान, मैदान, मैना, ठीक है। अब इधर आ जाओ, पैराशूट कर दिया हुआ है, पैराशूट के पास क्या लिखा है हमारे पास है सा लिखा हुआ है, रा लिखा है, श लिखा हुआ है और ट लिखा हुआ है। अब हमें खाली बॉक्स में, खाली डब्बे में हम क्या लिखेंगे, चित्र है पैसा, तो हम पैसा और लिखेंगे, ठीक है। अब नीचे की यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे हमारे पास बॉक्स में क्या है, अब है ये शब्द लिखे हुए हैं हमारे पास, अब हम क्या लिखेंगे इसमें, कैरम, कैरम का चित्र दिया हुआ, कैरम का चित्र दिया हुआ है तो हमने यहाँ पे कैरम हो गया, कैमरा का चित्र दिया हुआ है कैमरा हो गया। तो इस तरह से आपका ये बॉक्स की जो एक्टिविटी है उसको हमने कंप्लीट की है। बच्चों आप क्या करोगे, आप घर में पहले इसका रीडिंग करेंगे, उसके बाद आप उसको क्या करेंगे, लिख लिख कर थोड़ा लिखने की भी प्रैक्टिस करेंगे ताकि आप इस लाइन में लिखना सीख जाओ। ऊपर की मात्रा